ये हम अभी पहुंच गए हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में। ये है त्रिवेणी घाट का नज़ारा। आज ऋषिकेश पहुंचने के बाद ये दो भाई मिले हैं मुझे, एक ही गुरुद्वारे में ठहरे हुए हैं। हम भी एक तरह के मुसाफिर ही हैं, साथ साथ रह रहे हैं अभी। ये भाई है, ये बिहार से BHU के स्टूडेंट है, और भाई का तो पुराना ट्रैवल लॉग चल ही रहा है, और मेरा तो पिछले 8 महीने से चल रहा है। सभी मतलब ट्रैवलर ही एक तरह के नोमैडिक ट्रैवलर। तो घूमते घूमते अभी इस घाट पे पहुंच गए हैं फाइनली ऋषिकेश में। आगे का प्लान बन रहा है, देखते हैं, अगर सक्सेसफुल होता है तो अपडेट दे देंगे। काफ़ी अरसे से मेरी एक इच्छा थी कि ऋषिकेश जाऊंगा या त्रिवेणी घाट में थोड़ा टाइम बिताऊंगा। फाइनली मेरी ये इच्छा पूर्ण हुई। यहाँ का जो हैपनिंग व्यू है ना, जो यहाँ का जो माहौल है, सच में शब्द कम पड़ जाएंगे बताने के। Exotic. It's more than a religious place. पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अभी हम थोड़ा रात को टहलते टहलते आ गए हैं जानकी पुल में। ये पीछे जो पुल दिख रहा है, ये है जानकी पुल।
ये बिल्कुल गंगा जी के घाट में आ गए। यहाँ से जो जानकी पुल है, जानकी झूला भी कहते हैं, यहाँ का व्यू एकदम प्रोमिनेंट लग रहा है, बढ़िया से आ रहा है। आई एम टोटली स्पीचलेस। जो देखता है वही जानता है कितना खूबसूरत है यहाँ का व्यू। ऐसा लगता है बस रात में स्वर्ग में उतरा है। हम त्रिवेणी घाट पे ही खड़े हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हरा भरा नेचर से भरा हुआ ये अभूतपूर्व प्राकृतिक नज़ारे ऋषिकेश के। पता नहीं कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना दे दे। मेरी तो कोई गलती नहीं, पीछे बज रहा है बैकग्राउंड। धार्मिक स्थलों में तो ये तो होगा ही। एनीवे, बिल्कुल भीड़भाड़ वाली गलियों से अभी निकलता हुआ त्रिवेणी घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे हम त्रिवेणी घाट में ही हैं। कहीं से भी पहुंच जाओ घाट पे ही पहुंच जाओ। बिल्कुल घाट पे ही खड़े हैं। घाट के साइड में ये बाजार लगी हुई है। दुनिया भर से सालानी यहाँ पे आते हैं। तो बस भीड़ बचाता हुआ निकल रहे हैं यहाँ से। क्योंकि वहाँ पे पीछे भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ पे शोर शराब इतना हो रहा है कि ठीक से वीडियो बना नहीं सकते। सो आई एम गेटिंग आउट ऑफ द प्लेस एंड फाइंडिंग आउट द प्लेस व्हिच इज मॉडरेटली काम, आई कैन मेक वीडियो विदाउट हैसल। आई थिंक आई हैव रीच्ड द प्लेस ऑफ ये है पूरे त्रिवेणी घाट का व्यू। ये वाइड स्प्रेड व्यू है त्रिवेणी घाट का। दुनिया भर से लोग हर रोज हर साल आते ही रहते हैं।
कोई आता है मोक्ष की तलाश में, कोई आता है मन की शांति की तलाश में। कोई आता है अपनी हेल्थ इश्यू को लेके, हेल्थ गेन करने के लिए। कोई आता है भगवान को पाने के लिए। कोई आता है अपनी पाप धुलाने के लिए। घर पे क्यों नहीं धो लेते? अपनी अपनी मान्यता है, और यही मान्यताओं की वजह से ही पूरी ह्यूमैनिटी, पूरा इंसानियत इतना विकृत हो चला है, इतना बीमार है इसी गलत मान्यताओं की वजह से। क्योंकि सच को किसी को परवाह नहीं, किसी को लेना देना नहीं कि सच को। बहुत थोड़े ही होते हैं ऐसे लोग जो सच की तलाश करते हैं, सच से नाता जोड़ते हैं, और उनमें से भी बहुत ही गिने चुने ना के बराबर ऐसे लोग होते हैं जो सच को पाते हैं। सच को पाने के बाद ये समझते हैं, इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये पाया ही है। रिवर राफ्टिंग, बंगी जंपिंग, जायंट्स स्विंग, हर तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी सच एक्टिविटीज़। ऑल एम आई इंटरेस्टेड इन इज नेचर, एंड आई होप सो आर यू। मैं वैसे जानकी ब्रिज से यहाँ पे आया था, इस ब्रिज से उस तरफ जाऊँ। एनीवे लेट्स गो। ये बिल्कुल राम झूले के सामने खड़े हैं, ये चला गया राम झूले इस पार, और अभी राम झूला होते हुए ही गुजरेंगे। बस बढ़ चले हैं। राम झूला के अंदर दाखिल हो गए और बस चल पड़े हैं। ये वाइड व्यू राम झूला। टिश्यू सर पे चढ़ गई है। बस राम झूला के बिल्कुल उस पार पहुंच गए हैं, बस झूला खत्म ही होने वाला है। हमारा झूलना भी बस निकट ही है, अंत पे पहुंच गया है। यहाँ से रिवर राफ्टिंग हो रहा है, लेट्स हैव अ लुक। डर इस बात का कि मोबाइल समय पर गिर जाओ पानी, अगर गिर गया तो सीधा बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाओगे। Finally, I've crossed the bridge. Yay! बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझसे कहा है कि ब्लॉगिंग करने की ज़रूरत क्या है, मतलब आप विजिट करते हो, आप जो मेन टॉपिक पे आप बात करते हो उसी पे बात करो, आप स्पिरिचुअलिटी या सत्य या अध्यात्म के विषय में जो आप एक्सप्लेनेशन देते हो या आप जो
अपना एनालिटिक्स देते हो, उसके संदर्भ में आप टिके रहो। ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो, इसका सीधा सीधा जवाब है कि मैं उतना सोच समझ के जीता नहीं हूँ, हिसाब करके जीता नहीं हूँ। जिंदगी बस मेरे लिए लाइक अ रिवर, एक फ्लो है, इसके साथ साथ बेहतर है। जो सोचते हैं वो जीते नहीं, जो जो जीते हैं वो सोचते नहीं। ज़िंदगी वैसे हर एक का ही आम है, ज़िंदगी कोई ख़ास नहीं है, ज़िंदगी कोई बटा हुआ तो है नहीं, हर एक की ज़िंदगी खास आम है और ख़ास भी, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है, ऐसा स्पेस एक है, लाइफ भी एक, उसी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो रहा है। बाकियों के जैसा मेरी भी ज़िंदगी बहुत ही साधारण है, साधारण में असाधारण है, क्योंकि ज़िंदगी का स्वाद ही असाधारण होता है। बस फ़र्क इतना है कि बाकी अपना स्वरूप नहीं जानते, ज़िंदगी का स्वरूप कटे हुए, उनका मैं अभी भी जिंदा है, उनका सब कुछ अभी भी जिंदा है, उनके लिए सब कुछ एग्जिस्ट करता है। ये मत पूछना कि मेरे लिए क्या है, मैं जैसी कोई भ्रम मैं पालता ही नहीं, कोई मैं नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ है, होना ही सच है। Anyway.